यार ये तो कोई मेडिकल इलाज होने जा रहा है। माय चलो शुक्र गॉड, शुक्र करो कि वो ऑस्ट्रेलिया वाला मार्जिन कम हुआ 309 का, अभी रिकॉर्ड विन हो जाना था वरना अदरवाइज। लेकिन फिर भी अभी 302 रन रहते हैं। और यार बुमराह को क्यों नहीं लगा रहा, बुमराह को लगाया विकेट आएगी। यार ऑनर होती है, मतलब वो भी बड़े बड़े बॉलर नहीं, भाई बुमराह को लगाया आते साथ विकेट लेगा, नहीं मैच खत्म करने की बात कर रहे थे। बिल्कुल बुमराह को लगाए और तेरी खैर, ओए कैच कर लेंगे और हो गया। ओए यार इतने बड़े मार्जिन से जीत यार। अच्छा आपस की बात है, आज हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन इतने बड़े मार्जिन से जीते, इतने बड़े मार्जिन से जीतेगा ये यकीन नहीं था मुझे कभी भी। कितने मार्जिन से? 302। अभी 309 से ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है, शुक्र करो बचत होगी। शामी क्या बोला है शामी, क्या मतलब अखीर 302 का मार्जिन। अच्छा दोबारा 55 पे ऑल आउट हुए मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है बल्कि श्रीलंका को, मारा है बहुत बुरी तरह। आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है, लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया को कि यार ये आपने 350 क्यों किया, 400 क्यों नहीं किया। आई कैन अंडरस्टैंड दैट आपको करना चाहिए, लेकिन क्या रूथलेस बॉलिंग है। क्या ही अच्छा होता और क्या ही अच्छा होगा कि इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी फास्ट बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। टाइम हैज चेंज्ड, जो ट्रांजैक्शंस आपने की थी और जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की थी फास्ट बॉलिंग में, वो आप गंगोली के जमाने से लेके धोनी तक ले आए, और धोनी से लेके विराट कोहली से होते हुए रोहित शर्मा तक ले आए, ये इन्वेस्टमेंट्स आपको नजर आ रही हैं। और सिराज, शमी, बुमराह, और ना सिर्फ हिंदुस्तान बोर्ड आई थिंक, और आपकी मैनेजमेंट आई थिंक, इनको मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि जिन्होंने इन्वेस्ट किया इन लड़कों पे और उनको आगे लेके आए। और फिर आपको तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा, इंडिया ने इस बार करिश्मा कर दिया है, मौजा कर दिया कि उन्होंने बॉलिंग भी पैदा कर ली है, उन्होंने बैटिंग भी पैदा कर ली, और ऐसी आउटस्टैंडिंग टीम बन चुकी हुई है। देखिए हम लोग परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं, हम क्वालिटी प्लेयर के ऊपर बात करते हैं, हम क्वालिटी क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, तो उनकी क्वालिटी नजर आ रही है यार। आप देखो उनकी परफॉर्मेंस देखो, वो कैसे आ रहा है, शेर के मुंह में से बोटी छीन के ले जाते हैं, यानी कि जीते हुए से जो है ना उसे हरा देते हैं, ऐसे मैच जीत जाते हैं। नैला शैला कुछ लोगों को कह चुकी हैं कि भाई हम वीडियोस दो चार दिन नहीं बनाएंगे, ऑडियंस भूल जाएगी, बात खत्म। देखिए ऑडियंस, जो मैंने हमेशा बताया कि इंडिया वाले जो है ना ये गैरतमंद लोग हैं, ये मुहब्बे वतन है, इनके अंदर एक मोहब्बत है अपने वतन के साथ, अपनी क्रिकेट टीम के तो साथ ऐसे ना सर सब हैं, लेकिन वो भूलते नहीं है अपने, उनके मुल्क के लिए गलत बात की हो ना वो नहीं भूलते। आपकी गलत फहमी है, देखिए जो लोग पहले एक्सपोज हुए, जो भी मामला हुए उनके मामला कुछ और थे, इन्होंने इंडिया को दहशतगर्द बोला है, बोला नहीं है, इवन के ऑडियंस ऑडियंस को कह रहे हैं कि आपने इंडिया को दहशतगर्द बोलना है, और बाद में एक्सप्लेन कर रही है जी वो तो भुट्टो की बात थी। देखिए देखने वाले बेवकूफ नहीं है। जब मैं इंडिया की तारीफ करता था, इंडिया की बाइक्स की तारीफ करता था, इंडिया के वजीर आजम की तारीफ करता था, तो लोग मुझे गद्दार कहते थे, लोग कहते थे कि आबिद अली गद्दार है, ठीक है। अब वही मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठते हैं पाकिस्तान के, सारा दिन इंडिया को बुरा भला कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं। मैं सिर्फ उनसे ये बात, मेरी बातें ये चुभती हैं, बुरी लगती हैं, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, ठीक है। वही जर्नलिस्ट जब इंडिया जाते हैं तो इंडिया की बाइकें दिखा रहे हैं, मैंने शो देखा है भाईजन, वो ऐसे ही है, इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, पेटीएम की वो जो ऑनलाइन पैसे आ जाते हैं ऐसे ही है, उसकी तारीफें कर रहे हैं, और इंडिया की तारीफें करते करते वो थक ही नहीं रहे। और पाकिस्तान के जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो बैठते हैं तो वो कहते हैं इंडिया बुरा है, इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया, इंडिया ये करता है, इंडिया वो करता है। तो भाई अपनी पावर दिखाओ ना, फिर जो बातें आप इधर करते थे इंडिया में बैठ के वो बातें, जो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का इम्कान 4% था वो आज के बाद आपको क्या लग रहा है? सर आप न्यूजीलैंड के आखिरी मैच पे क्यों जा रहे हैं? हैं क्यों? आप दोनों मैच जीते सही है, और फिर वो भी तो दोनों हारे ना, एक हमसे हारे फिर श्रीलंका से हारे, तो एक में बारिश हो जाएगी ना, शायद भाई कहते ना एक में बारिश हो जाएगी लास्ट मैच को। अच्छा तो चलो ठीक है, बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक। तो ये कामरान भाई, ये इंडियन टीम तो यानी इस वक्त टूर्नामेंट की यानी ऐसी टीम है जो पकड़ में ही नहीं आ रही। आपने एक दफा कहा था कि अगर किसी टीम ने उसको पकड़ सकी तो साउथ अफ्रीका है, वरना तो कोई भी टीम नहीं, ये साबित कर रहे हैं, वो तो कमाल ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इस ये मैंने पहला वर्ल्ड कप देखा है जिसमें एक टीम नजर आ रही है कि इसको कोई हरा, अलग से नजर आ रही है, अलग से नजर आ रही है,
इनके करीब करीब भी कोई नहीं है। हाँ। तो अभी साउथ अफ्रीका के साथ मैच रहता है, तो मेरे ख्याल से दूसरी टीम आप साउथ अफ्रीका कह सकते हैं वर्ल्ड कप में, जो टफ टाइम दे सकती है इंडिया को। बाकी टीमें तो कोई भी नहीं दे सकी, लेकिन अच्छी क्रिकेट। श्रीलंका जो फाइनल एशिया कप का था, ये फाइनल ही समझे आज, वैसे ही आउट हो गया। हाँ, सिर्फ वेन्यू चेंज हुआ है, और वो डे में बैटिंग कर रहे थे, ये नाइट में बैटिंग, बॉलिंग सेम ही थी, गलती अपनी है। फिर वो जैसे न्यूजीलैंड टीम ने गलती की है, वही श्रीलंका ने की है। हमारे लिए अगेन उस लिहाज से बुरी खबर है कि अब जब श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ जाएगा तो और गिरावा होगा इतनी बुरी मार के बाद। देखिए वो डेफिनेटली एक न्यूजीलैंड के साथ खेलना, न्यूजीलैंड के साथ टफ टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो खैर हम तो वैसे ही इतनी मुश्किलों से पहुंच रहे हैं, लेकिन हमें अपने मैच सोचने चाहिए। सही है। अपने मैच अच्छे तरीके से फिनिश करें, जीते, बाकी फिर न्यूजीलैंड पे प्रेशर आएगा जब न्यूजीलैंड से हम लोग जीत जाएंगे। वो भी इस वक्त प्रेशर में है, उनका कॉन्फिडेंस जो स्टार्ट में था वो अब नहीं है, इंजरी भी है और आप प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो बस अपने मैच अच्छे करें, नेट रन रेट के साथ फिनिश। अजरबैजान इंडिया की टीम पहली सेमीफाइनलिस्ट हो गई, आपको लगता है कि इंडिया फाइनल भी खेल रहा है इस वक्त इस फॉर्म में? नॉकआउट स्टेज पे जाके यू नेवर नो। अच्छा भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी वो मजहर अरशद ने बताया, मैं शायद एग्जैक्टली सही कोट ना भी कर रहा हूं, तो पिछले तीन वर्ल्ड कप्स में जो 24 मैचेस खेले इंडिया ने, 24 उसमें से खाली तीन मैचेस हारी है, उसमें से दो सेमीफाइनल है। मतलब जब आपको नहीं हारना होता है तब हार है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो ठाकुरों, बधाई हो भाई। जिस तरीके से आज हिंदुस्तान ने फंटा मारा है श्रीलंका को, तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये पिछले 10 साल तक फिर कोई किसी भी टीम से जीत पाएंगे। मैं तो कहता हूं कि भाई श्रीलंका वालों अपना कोच और कैप्टन दोनों चेंज कर दो, क्योंकि भाई हिंदुस्तान ने जिसको फंका मारा है उन सबको अपने कोच और कैप्टन चेंज कर देने चाहिए। भाई ये हमें पहले से पता था कि हिंदुस्तान जीतेगी, लेकिन भाई इतना बड़ा इंजेक्शन मारेगी भाई ये हमें नहीं पता था। अब बारी है बबुम्बे की, बबुम्बे को फैलेगा हिंदुस्तान तो दिल को तब तसल्ली मिलेगी। और कल मैच है जो है वो नीदरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का। भाई हमें सेमीफाइनल फाइनल में नहीं आना, हम कल का मैच हारने वाले हैं। भाई क्या फायदा सेमीफाइनल में जाके फिर हिंदुस्तान का मुकाबला करना पड़ेगा, हमने नहीं आना, बाकी पाकिस्तान ने आना है $8 लाख के लिए, तो वो आए भाई, पैसों के लिए तो वो कहीं भी बेइज्जत हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ भाई।